कौशाम्बी जिला मुख्यालय के प्रमुख चौराहे पर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया। विरोध के दौरान कई व्यापारी प्रशासन अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। कार्रवाई से नगर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आलम यह था कि बुलडोजर देख कई व्यापारी तालाबंदी कर दुकान के सामने परिवार सहित धरने पर बैठ गए। वहीं सत्तादल के विधायक संजय गुप्ता मौके पर पहुंचे और प्रशासन के तेवर तब नरम हो गए। विधायक ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। इनके यहाँ जब लोग मिलने गए तो एसडीएम ने बेइज्जती के साथ उन लोगों को भगा दिया और आज पूरी फोर्स लेके गिराने पहुंच गए। मैं सभी मीडिया के लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये एसडीएम और ईओ ने व्यक्तिगत खुन्नस के चलते, क्योंकि फ्री में उनको मिठाई चाहिए, उनको घर में वहाँ से गुंडा टैक्स चाहिए और इस कारण से नाजायज तरीके से नियमों के विरुद्ध कल ही निरस्त हुआ और आज गिराने की कार्रवाई किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पूरी रिपोर्ट से अवगत करा के ऐसे इनलीगल कार्रवाई के विरुद्ध जो दोषी अफसर हैं उनके विरुद्ध मैं कार्रवाई कराऊंगा, जांच कराऊंगा।